अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू गारेज किचन। आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन 65 बनाने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, आधा किलो बोनलेस चिकन है, इसको अच्छे से धोकर मैंने निथार के रखा है। इतने छोटे पीस बनाएंगे चिकन 65 के लिए। 2 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट लिया है। 2 टेबल स्पून दही लेंगे। ये वाइट सिरका है विनेगर, ये 2 टीस्पून यूज़ करेंगे। सोया सॉस लेंगे 1 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है। 2 टेबल स्पून टमाटो केचप है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक लेंगे स्वाद अनुसार। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। 1 टेबल स्पून चिली सॉस है ये। और 1/2 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था, और 7-8 लहसुन की कलियाँ को बारीक चॉप करके लेंगे। 3 टीस्पून मिर्ची पाउडर है, कश्मीरी मिर्ची पाउडर। इसमें से 2 टीस्पून चिकन में जाएगी, 1 टीस्पून हम लोग तड़के में डालेंगे, और 1 अंडा जाएगा। ये 4 मैंने सूखी हुई गोल वाली मिर्ची ली है, आप बड़ी वाली ले सकते हैं। 2 हरी मिर्ची लेंगे, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता तड़के के लिए, और 1/2 टीस्पून जीरा जाएगा तड़के के लिए। अभी चिकन को हम मसाले लगा कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें हरा मसाला डालेंगे, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, काली मिर्चों का पाउडर, और ये मिर्ची पाउडर लेंगे, 2 टीस्पून इसमें डालेंगे। दही डालेंगे, दही डालने से अच्छा टेस्ट आता है इसमें। 1 टीस्पून विनेगर डालेंगे, आप विनेगर की जगह नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, और अंडा डालेंगे, और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करके लेंगे, और इसको 15 मिनट हम लोग मैरिनेट होने छोड़ेंगे। ये देखिए, मैंने सारी चीज़ें अच्छे से लगा कर लिए चिकन को, अच्छे से मिक्स करके। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए, तेल हमारा गर्म हो गया, और चिकन को 15 मिनट हो गए। अभी हम लोग फ्राई करके लेंगे, एक एक पीस इस तरह से डालकर, और इसको हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो एक एक पीस डालेंगे, एक साथ एकदम ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, और 2 मिनट तक इसको हिलाएंगे नहीं, अच्छे से इसका सेट होना चाहिए, नहीं तो इसकी कोटिंग निकल जाएगी। अच्छे क्रिस्पी हम लोग फ्राई करके देते हैं। ये देखिए, चिकन हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। मैंने इसी तरह पलटी करते हुए इसको फ्राई करके लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको निकालूंगी, और बाकी के सारे पीस भी हम लोग इसी तरह फ्राई करके लेंगे। ये देखिए, 1 टेबल स्पून मैंने तेल गरम होने रखा है, तेल गरम हो गया। अब इसमें अदरक लहसुन हमने चॉप करके जो रखे थे वो डालेंगे, उसको 1 मिनट के लिए थोड़ा भून कर लेंगे, और इसमें जीरा भी डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, और इसको खुशबू आने तक अच्छी तरह भून कर लेते हैं। अब इसके अंदर ये हरी मिर्ची, लाल मिर्ची और कड़ी पत्ता डालेंगे। इसको 1 मिनट कर भून कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसके अंदर मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून विनेगर डालेंगे, ये टमाटो केचप डालेंगे। टमाटो केचप से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये रेड चिली सॉस, इसमें मैंने थोड़ा सा रेड कलर डाला है।
सोया सॉस डालेंगे एक टीस्पून, थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक हम लोग ने चिकन में भी डाला है और सॉस में भी नमक होता है तो उस हिसाब से इसमें नमक ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे से भून कर लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे एक टेबल स्पून जितना। इसको दो मिनट इस तरह चलाते हुए भून कर लेंगे, फिर इसमें चिकन ऐड करेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, अब इसके अंदर हम लोग चिकन ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, रेस्टोरेंट जैसा, होटल जैसी चिकन 65 है। इसको अच्छे से मिक्स करके इस तरह चलाते हुए दो मिनट हम लोग इसको पका कर लेंगे सॉस के साथ, ताकि चिकन के अंदर तक अच्छा सा फ्लेवर जाना चाहिए। मैंने हाई फ्लेम पे ही रखा है इसको। दो मिनट हो गए, ये अच्छे से भून चुका है, सारे मसाले मिक्स हो गए चिकन के अंदर। अब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी थोड़ा, आप हरी प्याज भी चाहे तो डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे और गैस को बंद करेंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। मज़ेदार और टेस्टी चिकन 65 बनके तैयार है, रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत मज़े का बनाए हैं। आप लोग ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, ये स्टार्टर के हिसाब खाते हैं इसको। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।